आजकल जहाँ देखो वहाँ पे स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड। भाई जंक फूड इतना फैल गया है यार, घास फूस कितना खाएंगे लोग। नए नए बड़ा पाव मोमो लाइक लाइक लाइक, इतने ऊपर से बड़ा पाव वाली दीदी इतना नाटक करती है। अब पूरो भाई कैसे पीछे रह सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता भाई, वो पीछे रहेंगे। तो उन्होंने भी अपना तिकड़म निकाला कि भाई मैं भी कुछ अच्छा सा कुछ कंटेंट लेके आता हूँ बड़ा पाव वाली दीदी से ऊपर और एक सही इंडियन स्ट्रीट फूड के ऊपर। हाँ तो उनका वीडियो आज का द इंडियन स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, अब देखते हैं यार किस किस बंदे को लपेटा है अपने वीडियो में। मुझे पक्का उम्मीद है बड़ा पाव वाली दीदी तो कन्फर्म होगी, इसके साथ साथ में और भी होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन। भाई बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, अब क्या लिखाया। अरे टिक्कू जी, टिक्कू जी, हाँ जी। पिछले महीने मैं मुंबई गया था। अच्छा क्या करने? गेस करो। तुझे देख के तो लग रहा है तू एक्टिंग का ऑडिशन करने गया था और तेरा सिलेक्शन भी हो गया। अरे आपको कैसे पता? लंगड़ा लंगड़ा के जो चल रहा है सारा ऑडिशन पीछे से दिया है ना। सही बात है टिक्कू जी, पर एक चीज रह गई। मुंबई में मैंने कास्टिंग वाले का मिर्ची वड़ा तो खा लिया, पर एक्चुअल ऑथेंटिक वड़ा पाव नहीं खा पाया यार। क्या हो गया फिर? दिल्ली में खिला देते हैं वड़ा पाव। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हां जी, तो आज हम आ गए हैं दीदी के वड़ा पाव खाने। छी छी टिक्कू जी, क्या बोल रहे हो? दुकान का नाम है। अच्छा दुकान का नाम है दीदी के वड़ा पाव का ठेला। तो देखा आपने कितनी भीड़ लग रखी है यहाँ पर। ऐसी भीड़ मैंने लास्ट टाइम बाबू भैया के मीटअप पर देखी थी, और वो भीड़ तो चलो फिर भी पैसे दे के बुलाई गई थी, यहाँ पर तो खुदाई है। पहली बात तो चार लाइन मत बनाओ, ठीक है? एक एक करके आओ, सबको मिलेगा, सबको दूंगी मैं, ठीक है? सबको। कैसे हैं दीदी? अरे टिक्कू जी आए, कैसे हो टिक्कू जी आप? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप बताइए। बहुत बढ़िया टिक्कू जी, बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, हमारे कुछ सवाल थे आपसे। पूछिए टिक्कू जी। जैसे कि आपको सब वायरल वड़ा पाव गर्ल के नाम से जानते हैं, पर आपका असली नाम क्या है? देखिए टिक्कू जी, मैं अपना असली नाम खुद नहीं बताऊंगी, वो आप इनसे पूछिए। बता, हो गया पोपट। हाँ, बिल्कुल सही नाम लिया इन लोगों ने, देखा आपने? पर ये तो चुप थे। हाँ तो मेरा नाम चुप्पी तो है। ये कैसा नाम हुआ चुप्पी? अच्छा आपका नाम टिक्कू हो सकता है, तो मेरा नाम चुप्पी नहीं हो सकता? मैं चुप्पी और ये मेरे पति चुपा है। तब तो भाई साहब आपको लोग मारने से बड़ा डरते होंगे। क्यों भाई? नहीं क्या बताएंगे कि आज हम चुप्पा मार के आए। टिक्कू जी, गलती से आपका हाथ जल गया, दोबारा बॉडी भी जल सकती है। थोड़ा संभल के हाँ दूर रहिए यहाँ से। ठीक है वड़ा पाव खिलाओ। टिक्कू जी अभी दुकान नहीं खुली है पूरी। कितनी खुलेगी? अरे खुली तो हुई है। ऐसे नहीं खुलती दुकान, रुकिए एक मिनट। अच्छा ओ एक्टिंग भी तो करनी है। आंसू आ गए भी, आ गए एक्शन। ओ भाई ग्रेट इंडियन स्टार। आपको पता है टिक्कू जी, हम ना मेहनत का काम करते हैं, कोई ऐसा फ्री का नहीं खा रहे, हम लोग रोज मेहनत करते हैं, फालतू में हम लोगों को सुबह से करते रहते हैं। ठीक है एक बड़ा पाव टेस्ट कराओ। दी हमारे भी 6 बड़ा पाव पैक कर दो। पहली बात 6 नहीं हो पाएंगे, 4 ही हो पाएंगे, और पैक नहीं हो पाएगा, ठीक है? देख रहे टिक्कू भाई कैसे परेशान करते हैं लोग। अरे चुप हो जाओ ना, एक मिनट तुम लोग यार लाइन में आ जाओ। तो ये जैसे दिक्कत दे रहे हैं आपको, एमसीडी वाले भी दिक्कत देते हैं कुछ परेशानी। टिक्कू भाई बहुत परेशान करते हैं। एक बात बताओ, मैं कोई चरस गांजा थोड़ी बेच रही हूँ, मैं तो अच्छा माल बेच रही हूँ, अच्छा खाना खिला रही हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी ये लोग हमको ऐसे करते हैं टिक्कू। अरे तो वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, एमसीडी वालों से परमिशन लो, टैक्स भरो, क्या दिक्कत है? अकेली औरत पर आप
ऐसे अत्याचार कर रहे हो टिक्कू जी, ये क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पर जाई मैंने तो बस फैक्ट्स बोले हैं, फैक्ट्स बोले हैं। फैक्ट्स तो ये भी है ना टिक्कू जी कि अकेले मेहनत करने वाले को सब रोकना चाहते हैं। ये देख रहे हो आप, ये कस्टमर नहीं है, ये मेरे फैमिली है, मम्मी पापा की तरह ट्रीट करती हूँ मैं इनको। बेटी एक बड़ा पाओ। मात छोड़ तेरी, इधर लाइन में लग पहले। चूतिया चार घंटे से लाइन में खड़े, लाइन में, लाइन में। देख रहे हो कैसे परेशान कर रहे हैं मेरे को, मार दूंगी मैं सबको। ये कैसी फैमिली की तरह यहाँ पैसे ट्रीट करते हो माँ बाप को, तो छोड़ो यार, तुम बड़ा पाव खिलाओ यार, बड़ा पाव खिलाओ। एक आप इधर क्यों, लाइन में लगो, लाइन में लगो, पागल हूँ मैं सबको ऐसे खिलाऊंगी, लाइन में लगो टिकू जी सबके लिए। ड्राइवर बांध के रखा कर आंखों पे, बैठी रहती है, बैठी रहती है, जा रहा हूँ लाइन में, लाइन में चल। टिक्कू का दिमाग खराब कर दिया है, लाइन में लगो। ये कहाँ से लाया भाई साहब, ये क्या खा रहे हो भाई? कुत्ते की टट्टी है जी। क्या वायरल वड़ा पाव मिल रहा है, आप कुत्ते की टट्टी क्यों खा रहे हो? इन दोनों का टेस्ट सेम है जी, ये 60 में भी देती है और ये फ्री में मिल जाता है, आप भी खा के देखो। अरे नहीं, खाओ खाओ खाओ। हाँ हाँ, सब दीदी के यहाँ ही जाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। कोई तो जाओ। ए कौन है, आ जाओ, आ जा, चल 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 चल। हाँ जी, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। टिक्कू जी आए हैं, क्यों उदास खड़ा है, क्या हुआ? गाल के अंधे हो अंकल जी, दिख नहीं रहा उदास हूँ, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है, सब दीदी के वड़ा पाव खाने चले जाते हैं। तो तुझे क्यों लगता है कि सब दीदी के ही वड़ा पाव खाते हैं? क्योंकि दीदी की चटनी लायक है। चटनी चटनी की बात कर रही हूँ, कैसे देख रहा है बदतमीज, क्या बात है, क्या हुआ बताओ? हाँ जी, तो देखिए 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 हमारे साथ कौन है, वड़ा पाव गर्ल और वड़ा पाव किड, और वड़ा पाव किड अब हमें बताएगा कि वड़ा पाव गर्ल के वड़ा पाव ज्यादा क्यों बिकता है, बिल्कुल सच बोलेगा। चलिए 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 चलिए। देखो वड़ा पाव तो हम भी बनाते हैं और इनसे अच्छे बनाते हैं, लेकिन बिकते इनके हैं, अब समझ जाओ क्यों। क्यों नहीं, क्यों नहीं टिक्कू भाई, मैं भी जानना चाहती हूँ क्यों, ये जो खाली बैठे ना ये भी जानना चाहते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ। बताओ बताओ बच्चे, क्या बात है बताओ क्यों? पहली बात तो दीदी आप थोड़ी सी लेडीज हो और ये आपकी भीड़ सारी जेंट्स की है। दूसरी बात, मैंने थाईलैंड में बात कर ली है, सेक्स चेंज ऑपरेशन की 15,000 रुपये लगेंगे, और बढ़िया टिप टॉप बन के आऊँगा, उसके बाद मार्केट की माँ चोदूंगा, और ये मर्द जात ये तो होती मादर चोद है। क्यों Kid woke up and chose violence. Kid तो हाँ जी, हाँ जी। टिक्कू भाई, फिर रो रही है? ये देखो कैसे लोग परेशान कर रहे हैं मुझे। मैं मेहनत का ही तो कमा रही हूँ, इतना मेहनत करती हूँ टिक्कू भाई, देखो ना क्यों क्यों सब मेरे साथ ऐसे करते करती हूँ। ओ आ मैं खोया तो पूरब जा तुहाडी बहन दी। मैं अपने मेहनत का कमाती हूं। आराम से टिकू जी, हॉली 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 हॉली। ओए इत्थे आ, मार दूंगा मैं। मेहनत का खाती हूँ, मेहनत का खाती हूँ। अब सुन, मुझे सही सही बता, तेरे वड़ा पाव स्टॉल पे लोग वड़ा पाव के टेस्ट की वजह से नहीं, तेरी वजह से आते हैं, एग्री करती है? मेरा कद्दू करे एग्री। वो दिन भूल गई जब आपके हस्बैंड यहाँ पे ठेले लगा के खड़े थे अकेले, कितनी भीड़ आई थी उस दिन। कोई नहीं था। अरे तीखा गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो, अरे तीखा गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो। चुप गांडू, अपनी बीवी से दूर रहियो, निकाल दूंगा तुझे। भाई आपकी बीवी सिंगल है क्या? अरे बड़ा पाव ले लो। बड़ा पाव दे दिया। बोल। मैं सब समझ गई हूँ, ये क्या बेटा, इसने मेरे खिलाफ बोलने के लिए तेरे को भड़काया है ना, सच बता दे, सच बता, सच बता सबको, सच बता। इसी ने ही बोला है, इसी ने ही मेरे को पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए। और बता क्या बोला इसने? हरामी। और बता,
दीदी ये बहुत गंदा आदमी है। बोल। ओए। बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। बोल। दीदी मेरी बहुत अच्छी है। ये तो गंदा है। और बहुत गंदा आदमी। पैसा बोलता है। दीदी मेरी बहुत प्यारी। चल साथ में वड़ा पाव बनाते हैं। ठीक है आजा। टिक्कू जी। हाँ जी। आपकी तो टिक्की बना दी इन्होंने। ओ फेर की हो गया। टिक्की पर ध्यान मत दो अभी। अभी ध्यान देना है कचौड़ी पर, क्योंकि हम आ गए हैं लाली छगानी कचौड़ी वाले पर कोलकाता। मैं अकेला जाऊं या तुम भी आता? चल 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 चल। ओ भाई। ला बेटा इसमें डाल। पैसा। लो चलो चलो। एक एक करके आते जाओ। मैं क्या नमस्ते जी। अरे कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कलकत्ता घूमे? ओ ना जी, हम तो अभी सुबह ही आए हैं। अच्छा जी, कहीं भी? अच्छा भारत में कहाँ कहाँ घूमे? भारत में तो बहुत जगह घूमे हैं जी। अच्छा, कहीं भी जाइएगा ऐसा कचौड़ी कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है। अंकल फटाफट मेरी भी लगाओ एक। ओहो, कितने सालों से आ रहे हो इधर कचौड़ी खाने? अरे ये बेटा, ये तो इसका पापा जब छोटा था तब वो आता था खाने, अभी ये आता है छोटा होके। हाँ क्या बकवास कर रहा है, साथ हूँ मैं। आप छोड़िए, भुजिया खाइए कचौड़ी के। एक कचौड़ी हमारी भी लगा दीजिए। लगाते हैं एक आहा, और वीडियो बना लीजिए। अरे आपका दुकान है मालिक, कैसी बात कर रहे हैं आप? है वीडियो आप बनाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। अरे वाह वाह वाह। वीडियो क्यों बना रहा है? बंद कर वीडियो। मना किया ना संडे को मत आओ, बंद कर वीडियो। भाग यहां से, भाग। अरे बंद कर वीडियो। अरे अभी आप ही ने तो बोला निकल, ना निकल, निकल। अरे अभी आप ही ने बोला वीडियो निकल, बनाने के लिए। निकाल। चलो भाई चलो आओ। अरे कचौड़ी तो खा के जाइए भाई। अरे अभी आप ही ने तो बोला जाने को। कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे मेहमान हैं, कलकत्ता आए हैं और कचौड़ी खा के नहीं जाएंगे? आइए खाइए, ये लीजिए। ए बेटा डाल इसमें कचौड़ी, डाल ये लीजिए। अरे छगानी चोर, क्या ये क्या पकड़ा रहा मेरे को तू? क्या बच्चों दिया ये? पैन दिल्ला ने एना दा तीसरा कैरेक्टर कौन अनलॉक कर दिता यार? ओ मेरे प्रा, ये तोड़ी दुकान हैगी, देख तोड़ी कचौड़ी। तू पैसे कमाता है, पैसे इससे पैसे कमाता है तू? पैसे मैं इससे भी कमाता, पैसा मैं बिनोमो से कमाता हूँ। ये देख बिनोमो, इससे कमाता हूँ मैं पैसा, समझा? ओ प्रा है, बिनोमो की है? बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रेडिंग करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, समझे? कमो भाई कमो। ट्रेडिंग तो नहीं आती मैनू। अरे तो बिनोमो देता तो है तुमको डेमो अकाउंट्स की, डेमो अकाउंट्स पे तुम ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद फिर रियल अकाउंट से खेलो और पैसा कमाओ बहुत सारा, समझे? रुको हम तुमको करके दिखाते हैं। देखो क्या है, ये गया, ये ग्राफ है, ये नीचे जा रहा है। अब हमने प्रिडिक्ट किया कि ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये देखो कमा लिया, हैंड टू हैंड कमा लिया एक्स्ट्रा पैसा, देखा नीचे गया ना। मेरा प्रोमो कोड पूरब झा यूज कर और डाउनलोड कर बिनोमो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओ चंगा जी चंगा। ए, यही तो गेम है। कमालो भाई कमालो कमालो कमालो। हाँ जी वेरी गुड। हाँ पर इसके अलावा भी तो तुसी कुछ करते हो। हाँ मैं करता हूँ ना, वो ये है दुकान तुसी लाली छगानी। नहीं मैं हूँ फूड ब्लॉगर, तू है लाली छगानी, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मैं हराम का खाना खाता हूँ लोगों के ठेले पे जाके, समझा? की चल इधर आ, कचौड़ी लगा दो प्लेट, तेरी दुकान है संभाल क्यों यार, भूख लगी है, कचौड़ी नहीं खिला रहा है आपको। मेरा कैमरा, कैमरा मेरा। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इधर आओ आओ आओ, हम सरदार जी के पास कचौड़ी खाने आए, कचौड़ी खिलाओ, लाओ। पैन चौदा तानू मैं कचौड़ी, भूख लगी है कचौड़ी खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ। मादर चोद, मेरी दुकान पे क्या कर रहा है तू? तूने ही तो बोला हमारी दुकान पे कब्जा करने आया है। तूने भेजा वो पर्ची? मैं भेजूंगा तेरे को, मेरे पूर्वजों की दुकान है साले, हट निकल यहां से, भाग भाग। ओए हां मार साले को, बस अल्लाह लिए पर्ची, अल्लाह लिए पर्ची, गांड में कचौड़ी डाल। ओए नहीं, ओए टिक्कू जी। हां जी। ये कोलकाता वालों ने तो आपकी मिष्टी डोई तोड़ दी, अब वो गलती मेरी है, मैं पड़ गया फैंसी खानों के चोचलों में। अब आपा जिएंगे सादा जीवन ते कहेंगे सादा भोजन। आपा लेके चलेंगे तुहानू बाबा के ढाबा पर, जहां मिलेगा घर जैसा स्वाद, सब्जी रोटी और दाल। आजा चाल चाल चाल,
हां जी, तो आ गए हैं बाबा के ढाबा पर। आइए 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 आइए। कहाँ गया बाबा? कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा? बाबा बाबा, अरे कौन है? बहुत फनी का। अरे रेड पड़ गई क्या? भाई नहीं नहीं नहीं, कोई चूतिया है, कोई चूतिया है। देवी आप परेशान मत हो, डरो मत, डरो मत। ये आपका चश्मा, रुको मैं पहनाऊंगा, मैं पहनाऊंगा। आए कितनी सुंदर लग रही है। ध्यान से जाना, कैब करा लेना, धूप में मत घूमना। क्या है? कैसा बाबा ये? बाबा का ढाबा, सब्जी 30 रुपए। बाबा ये क्या कर रहे थे आप? आपकी बेटी की उम्र की है वो? मुझे नहीं पता कौन आया इधर। अरे वो रशियन थी इधर, जिसकी दाल की पूरी मखनी निकाल दी तुमने। क्या आदमी है यार। बेटा वो मैं नहीं था, वो मेरा भाई था। जुड़ो भाई। अच्छा तो आप कहाँ से आए हो? मैं गांड मरवा के आया हूँ। मरवाओगे गांड? बाबा यार ये कैसी लैंग्वेज है आपकी? आपकी उम्र में शोभा देता है ये सब? उम्र की माँ की आँख, तू बता क्या खाएगा क्या? बहुत कुछ खाने को है। बोला जा नहीं रहा, इनसे खाना खिलाएंगे। खिलाओ, क्या है आपके पास? देख बेटा क्या क्या है। ये हो गई रोटी। रोटी, वाह वाह वाह, पूरी थाली लगा रहा हूँ तेरी। पूरी जेन्युइन थाली मिलेगी यहाँ पे बाबा के पास। क्यों बाबा? ये तेरी दाल हो गई। वाह जी वाह। हाँ जी, चावल। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। ये तेरी हो गई। मिक्स वेज की सब्जी भी है। ये बहुत महंगी। वाह 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 वाह। ये हो गई दाल। एक और दाल, ये मिक्स, इसमें मिक्स कर देते हैं, ये मिक्स दाल हो गई। ओए होए बाबा, थोड़े प्याज व्याज भी डाल दो ना। प्याज, प्याज के साथ। हाँ जी, अब खाएंगे बाबा की ढाबा की थाली। हो गई एक नंबर थाली। एक मिनट, हाथ तो छोड़, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। खाएगा? ये ले खा ले, ये पूरी थाली खाएगा? क्यों व्यस्त कर जाता है? अरे यार देख क्या रहा है भोजड़ी क्या? अब तो खाने दे बेचारे को। बाबा आप अपना खाना खुद ही खा जाते हो तो ग्राहक का क्या? ग्राहक भी अपनी माँ चुदा है। ग्राहक मौसम की तरह होते हैं, कभी बदल जाते हैं। साला जब मेरे अच्छे दिन थे, जब मैं इतना फेमस था, तो बारिश की तरह बरसते थे आप। जब मैं कुछ नहीं हूँ तो एक बूंद नहीं गिरती, देख रहे हो? बाबा ये तो बड़ी गहरी बात बोल दिया आपने। तो आपका प्लान क्या है अब? मतलब आगे आपको ये दुकान ही चलानी है या फिर कुछ और आपने सोच रखा है? बेटा 4 दिन में खुद चल जाऊँ वो बड़ी बात है। ये दुकान तो मैं बेच के जा रहा हूँ गोवा। क्यों गोवा? गोवा क्यों बाबा? उस समंदर से पूछने कि किस बात का घमंड है उसको, उससे ज्यादा गहरे तो मेरी जिंदगी के जख्म है। जाके उस समंदर में खुद को समर्पित कर दूंगा, अपने दुख दर्द पीड़ा सब उन लहरों के साथ बहा दूंगा। बाबा तुसी गोवा सुसाइड करने जा रहे हो? मैं गांड मस्ती कर रहा हूँ यार पागल, मस्ती करने जा रहा हूँ मस्ती। जिंदगी के 4 दिन है, मजे करूंगा। क्या पता धागे वाली कच्ची में रशियन दिख जाए तो 4-5 महीने उम्र और बढ़ जाए मेरी। ना बाबा तुम्हारा पेशाब चप्पल पे ना गिरे, इसके लिए तो गोली खाते हो तुम, हैं? और रशियन देखनी है तुहानू? शर्म कर यार, शर्म कर। ओए औकात से ज्यादा बोल रहा है बेटा, अभी गौरव को बुला के ना खड़े खड़े खरीद लूंगा तुझे। सॉरी यार बाबा, मैनू ए गल नहीं करनी चाहिए तुहाडे नाल, तुसी वड्डे हो। हाँ मेरा पुत, वेरी गुड। पर एक बात तो सच है, आपने अपनी जान लेने की कोशिश तो करी थी। मुझे सुनने में आया है कि आपने जहर खा लिया था। हाँ खा लिया था। क्या लगा? क्यों? अरे यही रोज के रंडी रोने से परेशान हो गया था बेटा। बैंचोत, कौन परेशान कर रहा है आपको? कुछ लोग आ जाते थे बेटा दुकान पे कैमरा लेके, 2-2 घंटे मेरे से बातें चोटते थे बहुत सारी, और फ्री का खाना भी खा के जाते थे। और साले बेरोजगार पता है खुद को क्या बुलाते थे? कि फूड ब्लॉगर। ऐसे कौन से लोग हैं बाबा जो कैमरा लेके आपकी प्राइवेसी में घुस जाते हैं? ऐसे किसी लोगों को जानते हो आप? और अगर जानते हो तो अभी हमारे कैमरे में उनका खुलासा करो, कौन है ऐसे लोग साले, और आप कैसे हैंडल करते हो इन लोगों को? अब तो मैं अच्छे से हैंडल करना जान चुका हूँ इन लोगों को। अच्छा कैसे करते हो हैंडल? ऐसे करते हो, ऐसे 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 करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अरे बाबा, ये
करना है और रोटी लगा दो। अरे मुझे ही लगानी पड़ेगी, मेरी दुकान है। टिक्कू जी। हाँ जी। हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया? टेंशन नहीं लेनी, अभी ऐसी जगह लेके चलूंगा। अरे सुनो सुनो, रहने दो, मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ? मेरे यहाँ। और कहाँ? दिल हो जाए जॉली, पीले चाय भाई डॉली, आजा आजा चल। छपरी है मैं, छपरी सबसे बड़ा छपरी। डॉली, ओ वीरे, तू दुबई घुमाया, मालदीव घुमाया, पर कितना हम्बल है तू अभी भी। चाय का बिजनेस नहीं छोड़ा तूने। ए, टेलीटबी के लड़के, तेरे को मालूम क्या कितना बड़ा आदमी हो गया मैं? तू ओबामा को जानता है? हाँ। मैं नहीं जानता, पर वो मेरे को जानता है। तो तू सोच मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है। ओ, तो तूने छोड़ दिया चाय का बिजनेस? डॉली कोठे पर पैसे देके एंजॉय करना छोड़ सकता है, लेकिन जिस चीज ने अपने को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाया वो नहीं छोड़ सकता। तेरे को मालूम अब मैं बिजनेस लीड करता है। कहाँ? अपने डॉलीवुड में। पर ये सब डॉली बनने के लिए राजी कैसे हुए? ए, ये सब ना मेरी इज्जत करते हैं, ठीक है? कमाया है मैंने ये सब। ये लोग खुद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमको डॉली जैसा बनना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता मैं। भाई 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 प्लीज, मैं डॉली बन देखो तैयार हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो भाई प्लीज भाई। ए डॉली भाई प्लीज भाई। क्या बोला ये? डॉली भाई, मैंनू ना घर जाना है, मैं चलता हूँ। टिक्कू, डॉलीवुड में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। डॉली तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैनू घर जान दे। हाँ, तेरे को घर जाने गए, तू जा, पर एक बार ना अपनी बीवी को कॉल कर और पूछ किधर है वो। पैंचोदा, की कितना तू मेरी वोटी दे नाल। डॉली मेरी वोटी कितने? डॉली 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 वोटी सेफ है, पर कब तक रहेगी ना ये तेरे हाथ में। टिक्कू गुंडा हो गया। वेलकम टू डॉलीवुड टिक्कू भाई। ले डॉली है मैं डॉली सबसे बड़ा डॉली, डॉली है मैं डॉली सबसे बड़ा डॉली। वेलकम 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 वेलकम। इसको डॉली बना दिया। अब से जो डॉली नहीं बना के मुंह में दे देंगे चोको। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये था पूर्व झा का, क्या मस्त वाला रोस्ट किया सबको, किसी को नहीं छोड़ा। एक्सप्रेशन है यार भाई, सच में वो ही सब कुछ था, खेल था, सबसे जबरदस्त खेल था यहाँ पे। एक्सप्रेशंस के साथ में खेल रहे थे तो वो थोड़ा बढ़िया लगा भाई का। अभी जितने भी कैरेक्टर्स उठाए हैं सारे, ए टू जेड जितने भी थे सारे A1 थे, बहुत शानदार थे। सबको धोया अच्छी तरीके से, धो दिया। एंड वाला सीन तो बहुत ज़बरदस्त था, डोली भैया डोली 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 बनो सब। इन सब में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा आपको? किसको सबसे अच्छा धोया है, किसको सबसे अच्छा जो भी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी गए, बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देखने के बाद, बहुत मज़ा आया। एंटरटेन, फुल एंटरटेनमेंट वीडियो था। और आगे भी उम्मीद करता हूँ ऐसे ही चोको चोको दे देते ना, तो ऐसे भी आगे चोको देते रहें। दैट्स इट्स न्यू मैन विल गेट स्टार्ट है। ये था आज का रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।